चास पुलिस को कल देर रात फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद ताज के चास मुस्लिम मोहल्ला में होने की पुलिस को सूचना मिली। उसे गिरफ्तार करने गई पुलिस को स्थानीय लोगों ने जाने नहीं दिया, जिसके कारण लोगों से झड़प भी हो गई और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना गया। बुलाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर थाना ले जाया गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि फरार अपराधी का न्यायालय से अस्थाई वारंट निकला हुआ था, उसी के आलोक में पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई। पुलिस के साथ हुए झड़प के मामले में 3 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। तो इस संबंध में आरोप एक FIR किया गया है 353 356 339 41 342 42 में पुलिस के साथ झड़प करने का। इनको कितने लोगों को उसमें प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है? इसके अलावा 3 लोग और हैं, कुल 4 लोग प्राथमिक अभियुक्त हैं। इनका दो भाई और एक हैं और एक सज्जन है जो सेक्टर 4 में दुकानों काम करते हैं। किस मामले का आरोपी रहा है ये? चोरी के केस का आरोपी रहा मुख्ता लोगों का सर। चोरी का केस करता था और उसको उसी में ये पकड़ा गया था, जेल गया था। अभी भी चोरी का लोहा बेचता है ये, मौदा से कटिंग करता है, गैस सिलेंडर रखता है, ऑक्सीजन का भी सिलेंडर रखता है, अपना ऑटो रखा है लाल रंग का, उससे माल सप्लाई करता है। ऑटो तुम चुप रहोगे? ले जाओ।